सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 19 अप्रैल के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है वैशाख का, तिथि कृष्ण पक्ष की द्वादशी की तिथि है, रविवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है ब्रह्मा और करण है कौलव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन के विषयों में खरीद के या बेच करके आज आपको लाभ मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और घर आए हुए व्यक्ति को आप खाली हाथ विदा न करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने कंपटीटर्स को पीछे छोड़ते हुए बड़ा आर्थिक लाभ आपको मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। बड़ी सफलता के योग आपके लिए दिखते हैं। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए धन का संचय इस दौरान आप कर पाएंगे, ऋण चुकाने का, कर्ज से मुक्ति के आपको बहुत अच्छे इस समय आपको अवसर मिलेंगे, उस अपॉर्चुनिटी का आपको लाभ लेना चाहिए। जो भी कर्जे आपके ऊपर हैं उसको आपको चुका करके कर्ज मुक्त होने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बड़े बुजुर्गों का दिल आप बिल्कुल ना दिखाएं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक तंगी का अनुभव इस दौरान आप करेंगे, इस दौरान संचय भी आप नहीं कर पाएंगे, यानी सेविंग्स भी इस दौरान नहीं होगी, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े हुए होंगे। ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और वाणी पर नियंत्रण किसी भी स्थिति में आप न खोएं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं और आपका बनता हुआ काम भी बिगाड़ने का प्रयास वो करेंगे। ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और धन का व्यय करने से आप बचें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ योजनाओं में आपको बड़ा घाटा सहना पड़े, ऐसी स्थिति बनती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए, नुकसान की स्थिति से बचने के लिए ओम सूम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और इन्वेस्टमेंट से इस दौरान आप दूर रहें। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए ऋण प्राप्ति से धन संबंधी योजनाएं पूरी होंगी, आर्थिक सहायता प्राप्त करने से कई सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट से आप बचें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे। ओम स्कंदक ग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और आज की तिथि में आप यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी सामाजिकता में वृद्धि होगी और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और प्रॉपर्टी और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से आप बचिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिश्रम से आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी और बड़े कार्य आज सिद्ध हों, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करने से, साझेदारी व्यापार करने से आपको बचना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं और खर्चों का बोझ भी बढ़े, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। ऐसे में ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अत्यधिक जोखिम और वाद विवाद से व्यवसायिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी की निंदा करने से आप बचें। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सूर्य का बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही चमत्कारी टोटका। यदि सूर्य खराब है तो लाल किताब के ये उपाय आपको जरूर आजमाने चाहिए। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। सिंह राशि का स्वामी सूर्य मेष में उच्च का और तुला राशि में नीच का हो जाता है। लाल किताब के अनुसार शुक्र और बुध एक ही जगह पर हैं तो वो सूर्य है। सूर्य ग्रह के साथ अगर सूर्य ग्रह के साथ गुरु का योग बनता है तो वो चंद्रमा हो जाता है। सूर्य बुध के साथ है तो वो मंगल की स्थिति को जन्म देता है। सूर्य शनि के साथ है तो मंगल बद राहु वाला, मतलब मंगल के साथ राहु का जो योग होता है वही सूर्य और शनि का योग समझना चाहिए। ग्रहों में चंद्रमा जो है वो ठंडक और सर्दी का कारक होता है, मंगल जो है वह गर्मी लाली का कारक होता है और बुध जो है वो एक खाली घेरे का कारक होता है। सूर्य के आवश्यक ये अंग होते हैं। इन ग्रहों के साथ सूर्य का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य के साथ राहु केतु अगर आ जाए तो इनको ग्रहण योग माना जाता है।
पहले घर को जगाने के लिए मंगल का उपाय और पांचवें घर को जगाने के लिए सूर्य का उपाय व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। चंद्रमा बृहस्पति जो हैं और इसके साथ मंगल, ये जो हैं सूर्य के मित्र हैं। शुक्र, राहु और शनि जो हैं वो सूर्य के शत्रु हैं। बुध और केतु मध्यम हैं, लेकिन लाल किताब में शत्रु और मित्र कुंडली की स्थिति के अनुसार होते हैं। लाल किताब के अनुसार कुछ उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूं जिनको करना कुंडली में अशुभ सूर्य के दोषों से आपको मुक्ति दिलाता है। तो आइए, क्या है ये उपाय, आइए समझ लेते हैं। कैसे पहचाने कि कुंडली में सूर्य खराब है? तो ऐसे में सूर्य के अशुभ होने पर आपको कुछ लक्षण अपने जीवन में दिखाई देंगे। पहला लक्षण ये होगा कि शरीर में, हाथ पांव में अकड़न रहेगी, ऐंठन रहेगी, मुंह में थूक बार बार बनता रहेगा और लकवा चेहरे पर मार जाता है बहुत सारे लोगों को, जिसको पैरालिसिस कहते हैं, फेस पर आ जाना, वो सूर्य के खराब होने का योग है। यदि घर पर या घर के आसपास लाल गाय या भूरी भैंस हो, वो खो जाती है या मर जाती है। जिन लोगों के पास जानवर होते हैं, पशु होते हैं, ऐसे में जब सूर्य के खराब होने का योग होता है तो या तो वो खो जाएगी, गुम हो जाएगी, या फिर वो नहीं रहेगी, मर जाएगी, या किसी परिस्थिति में उसको आपको बेचना भी पड़ सकता है। यदि सूर्य और शनि एक ही भाव में हो तो घर की स्त्रियों को कष्ट मिलता है। यदि सूर्य और मंगल एक साथ हो तो चंद्रमा और सूर्य और मंगल एक साथ हो और चंद्रमा और केतु भी साथ में बैठे हों तो पुत्र, मामा और पिता को भी कष्ट प्राप्त होता है। आत्मविश्वास में कमी मिलती है और राजा या सरकार की ओर से आपको दंड प्राप्त होता है। तो ऐसे में आपको उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपाय ये कि सूर्य का 4 गुना या फिर 8 गुना वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करानी चाहिए, और उसके साथ साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको नियमित रूप से 3 पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जो है 108 बार आपको रोज नियम से जाप करना चाहिए। सूर्य देवता को तांबे के पात्र से अर्घ देना चाहिए। ये उपाय, अगर आप इतना उपाय करते हैं तो इससे आपको फायदा अवश्य मिलता है। रविवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करना, जिसमें मसूर की दाल, गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, तांबे का पात्र, ये सब सारी चीज़ें कुछ दक्षिणा के साथ कम से कम 8 रविवार दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं वो निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभववन। नमो नारायण। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभववन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का 2रा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990
724-131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।